हर टीम में एक गोलकीपर होगा टीम, ठीक है सर, और एक दूसरी प्लेयर होगा। तो जो गोलकीपर है वो आप चारों पे लाजम है कि आपने एक क्वार्टर आपने क्वार्टर खिलानी है, वो पहला खिलाएं दूसरा खिलाएं टाइम 60 मिनट, चार क्वार्टर 15 बना, ठीक है सर, ऐसे ही है जी। और कोई क्वेश्चन? आप अब खुद ही अपने हाथ से जी दूसरी लड़कियों ने तीन क्वार्टर खेले, लड़की ने एक खेल, गोलकीपर एक, गोलकीपर है एक, गोलकीपर है और एक फील्ड प्लेयर आपके, गोलकीपर ने एक क्वार्टर, आपकी जो हार है एक क्वार्टर गोलकीपर खेलेगी, तीन क्वार्टर दूसरी लड़की, एक लड़की हर चूहर बॉल करेगी जो आपकी टीम में अंदर रहेगी, जब गोलकीपर जाएगी उसके बाहर निकाल सकते हैं। वही ना सर, जब गोलकीपर ने अंदर जाना तो गोल में तीन क्वार्टर खा लो, क्वार्टर पर मिले तीन क्वार्टर ला, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन सर? कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको ऐसा करें कि लोग इंटरेस्ट लें। सब तो पहले ख्वाजा साहब आगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे जी हमारे सबसे सीनियर कोच ख्वाजा जुनेद साहब, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं है, पाकिस्तान टीम के हेड कोच रह चुके हैं मेरे छोटे भाई, उनका पहले प्रॉपर्टी रह के पहला वो अपने लिए कोच रहे, देखते हैं जी ख्वाजा साहब किस टीम को कोच करेंगे। ख्वाजा साहब अपनी ही टीम को कोच करेंगे, कुछ नहीं कर, उन्होंने अपने वालिद साहब की टीम निकाली है भाई साहब। और ये बड़ी बात है सर कि ख्वाजा साहब हमारे मेरे दादा उस्ताद की टीम के बेटे खुद ट्रेन करेंगे, दानिश बाप, उसके बाद आप जनाब सबसे सीनियर हैं, सर अंदर जो दानिश साहब का देखते हैं जी, मोहम्मद अफजल मन्ना स्ट्राइक अपनी टीम निकालेंगे जी, रियान भट्ट साहब की टीम देखते हैं जी, खुर्शीद आजम और भाई आप, आपकी कौन सी है जुबैर जूनियर होने का, क्योंकि सब बराबर की टीम है लिहाजा चौधरी गुलाम सूद साहब, अब अख्तर रसूल साहब जाने और आप, ठीक है सर, कोई बची का। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कहाँ है सबसे छोटा प्लेयर, चलो अच्छा भाई आप इधर आए, इधर आए भाई, आप हमारे सामने खड़े हों, चले आए जी चारों कोचिज हमारे आ जाए जी, अब आप जो है इसको उम्मीद करते हैं कि आप जीतेंगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। और हमारी ख्वाहिश है कि जनाब हमारे जो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि इसको हम रॉब लथूबर्स ट्रॉफी के नाम से खेल रहे हैं जी ये टूर्नामेंट, और रॉब लथूबर्स पाकिस्तान का वो दोस्त था जिसने पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइव करने के लिए बहुत सारी कोशिश की, और सारा मुल्क हमारा जानता है कि हॉकी के सारे लोग जानते हैं कि रॉब लथूबर्स जो है वो एक हॉकी का बहुत बड़ा नाम है, और डच हॉकी और पाकिस्तान हॉकी वैसे भी दो भाई समझे जाते हैं, और पाकिस्तान की लेटेस्ट जितनी भी फतवाहत है उसमें डच कोच का हाथ था, तो लिहाजा हम उनकी फैमिली के लिए भी मैसेज है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको हर साल खाएँ और इससे हर साल इसको और बेहतर तरीके से कराने की कोशिश है। भाई साहब आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि तकीदार साहब पर्टिकुलरली इन्होंने ग्रास रूट पे एक रोल मॉडल है हम सब के लिए, इन्होंने आके जो ग्रास रूट पे काम किया और जिस विजन से काम किया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान हॉकी की जो स्ट्रेंथ है वो तकीदार और आना जहीर अकेडमी ये दो ऐसे मॉडल थे जो गोजा को जिन्होंने आके तो मैं समझता हूँ कि ओवरटेक कर, आज पाकिस्तान में देखें तो ये बच्चे खेल, तो बहुत बड़ी खिदमत है हॉकी के लिए इस दौर में, और मैं बींग का छोटा भाई मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम दार साहब को फॉलो करें और जो ये हमें गाइड करें हम उस प्रोग्राम, इसी तरह जो टूर्नामेंट अरेंज किया इन्होंने ये हॉकी के लिए बहुत बड़ी मैं समझता हूँ मोटिवेशन है, ये इनिशिएटिव पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं लिया जाता,
इन्होंने पहले चंद दिन पहले भी ट्रेनिंग कराया, बेहतरीन अभी भी करवा रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए एक मोटिवेशन है, हम लोग भी स्टेप फॉरवर्ड करके इसी तरह के इवेंट करवाएंगे। एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो टूर्नामेंट में जो चार टीमें हैं वो हमने हमारे इस लाहौर के जो चार ऐसे सपूत थे जिन्होंने हॉकी की फील्ड में मुल्क की बेइंतहा खिदमत की है, और ये चारों ओलंपिक प्लेयर्स हैं, और इन्होंने ये वो लोग हैं जो पायनियर हैं हॉकी के पाकिस्तान और लाहौर में ख़ास तौर पर, और हमारी कोशिश होगी कि इस सिलसिले को हम बढ़ाते रहें, और वो कौमें जो अपने हीरोज़ को भूल जाती हैं वो कभी ज़िंदा कौमें होंगी। बहुत शुक्रिया। अब दानिश मीर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि मैं गोजरे में इस तरह का माहौल देखता था 90s और 2000s के अंदर कि इतने प्लेयर गोजरे में खेल रहे होते थे, तो इस टाइम अगर लाहौर में खेल रहे हैं तो बिकॉज ऑफ कबीर दास साहब राणा सही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको हॉकी को रिवाइव करने की कोशिश की कि अगर इतने प्लेयर अगर खेल में हैं तो कुछ ना कुछ तो वजह है ना, तो इसी वजह से पाकिस्तान की हॉकी अभी चल रही है। तो अगर इसी तरह ही सब जगहों पर इस तरह की हॉकी होनी शुरू हो जाए तो डेफिनेटली हॉकी आपकी बेहतर से बेहतर हो जाए। तो ये टूर्नामेंट की अगर बात करूँ रॉब कमारे से, मेरा भी बड़ा उससे एक बड़ा अच्छा रिश्ता था, हम इतनी दफ़ा उसके पास गए, उन्होंने बड़ा रिवाइज करने की कोशिश की हॉकी, जहाँ भी आया हम भी वहाँ गए, तो काफ़ी उसकी खिदमत है, तो उसको भी मैं सलूट करता हूँ कि उसको अल्लाह ताला अपनी जगह पर रखते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए, अगर इस तरह के टूर्नामेंट होते रहेंगे लड़कों में शौक भी आ जाएगा डेफिनेटली, तो लोग देखेंगे तो और लड़के भी आ सकते हैं। तो मैं ये बिकाज ऑफ बाद साहब उनका थैंक यू करता हूँ कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, बहुत शुक्रिया। आप आए रहमान रहीम, ये जो टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, डार साहब ने भी कहा है कि ये चार वो लोग हैं कि जिनकी वजह से आज हॉकी जो है वो फ्लरिश कर रही है लाहौर के अंदर, और ये वो लोग थे कि जब हम खेलते थे तो ये लोग वहाँ पे बाहर बैठ के हम लोगों को नोट करते थे, देखते थे कि इस बच्चे में कितना टैलेंट है और ये कहाँ तक जा सकता है, और वो बेशक किसी भी क्लब का होता था लेकिन वो एज अ प्लेयर इतना जज कर लेते थे कि वो बच्चे को इतना पीछा करते थे कि वो बच्चा आखिरकार पाकिस्तान टीम में चला जाता था। तो ये जो चीज़ें हैं आजकल के दौर में, जैसे अब तौफीक डार अकेडमी है या डार साहब जो इतना टाइम दे रहे हैं, फौजा जुनेद साहब की अकेडमी है वो इतना टाइम दे रही है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं नज़र आ रहे हैं आपको ग्राउंड में, ये अभी आपको बच्चे लग रहे हैं, लेकिन ये जो आने वाला वक्त होगा इसमें आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ख्वाजा साहब ने और डार साहब ने पाकिस्तान की हॉकी के लिए काम क्या किया है, तो तब आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि ये हॉकी जो है पाकिस्तान की जो दोबारा अगर कम बैक करेगी तो ये जनरेशन करेगी, क्योंकि अब जो सूरत हाल पाकिस्तान की हॉकी की हो चुकी है, अब उम्मीद बहुत कम है लेकिन ना उम्मीदी नहीं है, हो सकता है कुछ चीज़ें बेहतर हो जाए, बट जो हमारा फ्यूचर है हॉकी का वो ये बच्चे हैं जो इधर डार साहब के पास, राणा ज़हीर के पास और ख्वाजा साहब के पास खेल रहे हैं। बाकी जितनी बातें भी हैं जो मर्जी कर ले कि जी हम फेसबुक पे हॉकी खिलाते हैं या फेसबुक पे हम हॉकी हमने ये काम कर दिया, वो फिर फेसबुक की हद तक ही रहता है, असल काम जो है वो ये है। थैंक यू सो मच। ये जो डार साहब तो ये बहुत अच्छा है कि स्टेप इन्होंने लिया कि जितना राणा जी हॉकी कर लिया, डार हॉकी करनी है, ख्वाजा जुनेद हॉकी करनी है, जो बच्चों को कर रहे हैं बहुत ही, मतलब कि ये इस तरह की ट्रेनिंग जो एकेडमी में दी जा रही है मेरे ख्याल से अभी बाहर कहीं भी नहीं दी जा रही, तो इस तरह के बच्चों को मतलब कि सहूलत और दूसरी चीज़ें भी बहुत प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है इनका, तो मैं इनको बहुत शुक्रिया, चलो जी, बहुत शुक्रिया जी आपका।